अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कई दिनों से हमारी बातें चल रही हैं मीडिया के तौर से या पुलिस प्रशासन की तौर से। मैंने अपनी सारी बातें प्रशासन के समक्ष रखी थी और आज से 2 दिन पहले पानीपत के एसपी साहब ने कुछ प्रेस नोट जारी किया था। प्रेस नोट जारी करके उन्होंने लोगों को भ्रमित किया, जिसके पूरे साक्ष्य और तथ्य मैं लेके आज आया हूँ। साक्ष्य और तथ्य ये हैं, उन्होंने पहले बोला कि ये बैंक से एनपीए हैं, बैंक से धोखाधड़ी कर रहे हैं, बैंक को ये गुमराह कर रहे हैं। जबकि पंजाब नेशनल बैंक से मेरी सीसी लिमिट है, लोन है, उसका सेटिस्फैक्ट्री लेटर तक मैं लेके आया हूँ। जब बैंक मेरे को सेटिस्फैक्ट्री लेटर दे रहा है तो मैं कहाँ से किसी को भ्रमित कर रहा हूँ या कहाँ किसी को गुमराह कर रहा हूँ? सिर्फ अपनी नाक की साख भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के चक्रों में किसी व्यापारी को बदनाम करना या भ्रमित करना या जनता को गुमराह करना, ये कहाँ का वो है? इसके बाद उन्होंने बोला कि इनके ऊपर और भी किस्म के धोखाधड़ी के कानून है और बना रखे हैं और धोखाधड़ी किया है। मैं वो भी तथ्य लेके आया हूँ। मुझे 2 बार आपराधिक शाखा में बुलाया गया, आर्थिक इकोनॉमी सेल में। मैं वहां जाता हूँ, अपने तथ्य लेके, लिए नहीं जाते, टाल दिया जाता है कि आज नहीं बैठे हैं, अभी नहीं देंगे। जो पार्टी से ये लिखवा के लाए हैं, ये जगह जगह मेरे पार्टियों के पास जा रहे हैं, क्या तुमने किसी राजकुमार से 10 रुपए लेने हैं? वो कहते हैं हाँ, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 10,000 लेने हैं। तो उसको कहते हैं 10 लाख कर दो, हमने किसी को 25 लाख दिलवाए हैं, तो मैं भी 10 लाख दिलवा देंगे, 20 लाख दिलवा देंगे। बहकावे में इस तरीके से उनको एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं और उन झूठी एप्लीकेशनों के हमने सारे तथ्य निकाले। वो पार्टियों ने, उस पार्टी ने लिख के दिया है कि मैं इस माल से सेटिस्फाइड हूँ, मेरा मेरा माल गया है, बिल्टी भी है मेरे पास, बिल भी है, ईवे बिल भी है। और उस पार्टी का माल हमारे यहाँ से जाने के बाद अपने शोरूम में लगाया माल उसने, उस माल की फोटोएं भी हैं, उस माल की फोटोएं भी उन्होंने अपने अपने शोरूम में माल लगाया है। उसके बाद हमने इस कोरियर को, पूरे तथ्यों को एसपी साहब के पास भी बाई कोरियर बाई पोस्ट, आपराधिक शाखा में भी बाई कोरियर बाई पोस्ट सारी दिए हैं। उसके बाद उस दुकानदार ने लिखित में भी दे दिया है कि मैंने इनसे कुछ नहीं लेना है, लेटर हेड पे पूरा लिखित में दिया है उन्होंने, जिसका तथ्य मैं दे रहा हूं। और उसके बावजूद भी हमें, मेरे बुजुर्ग पिता को अगर ये बदनाम कर रहे हैं तो इसमें कोई सोची साहब जी साजिश है या चाल है। मैं आपको उसके तथ्य भी पेश करता हूं। ये उस दुकानदार का लेटर हेड है, लेटर हेड के ऊपर साफ साफ उन्होंने अपने पूरे बयान दिए हैं कि मैंने इस ब्लू स्टार से कुछ नहीं लेना देना है, वो मोहर है और ये साइन है। इसके बावजूद हमें जगह जगह पे तंग किया जा रहा है। इस तंग से आके, इस झूठी रिपोर्टों से बचने के लिए हमने अपना पानीपत वाला मकान भी छोड़ दिया है। जगह जगह पे पिताजी, मेरे वृद्ध पिताजी हैं, छुपते फिर रहे हैं कि क्या करेंगे, मेरे पे कोई झूठी एप्लीकेशन और तो नहीं करेंगे? ये ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, हमारे साथ ऐसा, हमारा व्यापार क्यों बंद कराया जा रहा है? परसों पिताजी ने इसी मामले में लेके एसपी की गलत उनकी लेके हमने पूरे हम तथ्य लेके आए हैं। और कल मेरे पिताजी पूरे तथ्यों के साथ, जैसे मेरे को CIA 2 ने पानीपत कोर्ट कॉम्प्लेक्स से उठाया था शाम 5:30 से 6 बजे 8 तारीख को, 8 नवंबर को, पूरे तथ्यों के साथ जब हम वहां पहुंचे, पूरे तथ्य जब उनके सामने हमने रखे, तथ्यों के आधार को उनको देखते हुए कोर्ट ने FIR के आदेश दिए थे। अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के चक्करों में SP साहब झूठे झूठे वो करवा रहे हैं। ये FIR की कॉपी है जिसमें इन्होंने संगीन आरोप लगे हुए हैं, 5 धाराओं के साथ 8 पुलिसकर्मी पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। उसके बाद मेरे बेटे ने 112 पे मेरे अपहरण की सूचना दी थी, उसकी सूचना की हमारे पास कॉपी है जो RTA से निकलवाई गई है। इसमें साफ साफ दिया गया कि किसने किससे बात की और किसके पैसे कहाँ से आए हैं। 3 दिन तक मेरे को अवैध हिरासत में रखकर CID 2 में मारा गया है, उसकी लोकेशन तक प्राप्त हो गई है कोर्ट को, कोर्ट कॉम्प्लेक्स से मुझे उठाया गया है। जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊंगा। मेरे मार पीट के, मेरे पे जो फोटो है, मेरे को जो लगी थी, जिसके तथ्य पे बोर्ड की मीटिंग बैठाई थी जज साहब ने, मेडिकल बोर्ड की, जो मैं तथ्य लेके आया हूँ सामने, वो भी है हमारे पास। तो इन सब तथ्यों के होने के बावजूद अगर पुलिस की वर्दी में, कानून की वर्दी में अगर कोई गलत उसको दुरुपयोग करे, आम जनता पे, व्यापारी पे दुरुपयोग करे अपनी नाक बचाने के लिए या अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए, तो मैं तो कहता हूँ ये पाप का घड़ा है, भर चुका है। मेरे का जो सर्टिफिकेट है, ये कब, कैसी डेट के है? बहुत पहले का है क्या ये? नहीं, बहुत पहले पुलिस केस हुआ है, उससे पहले का है? हाँ, उससे पहले का है, बिल्कुल उससे पहले का है। कोई भी एनपीए होता है तो 3 महीने की अगर आप किस्त नहीं भरते तब एनपीए कहलाता है। तो मेरे पास सारे सर्टिफिकेट है, सब कुछ है। तो मेरे को बदनाम किया जा रहा है, मेरे को क्यों बदनाम किया जा रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है?
अगर मैंने किसी से या आपसे किसी से 1.5 करोड़ का ऑर्डर लिया और 25 लाख रुपए एडवांस लिए हैं, उस माल को पूरा करने के लिए मैंने सारे तरफ से बैंक से लोन उठा और लोगों से 10-30 नगद उठा, माल पूरा किया, उसके बाद मेरे से नगद या उधार माल मांगा जाए, मैं नहीं देना चाहता हूँ माल को उधार में, तो मेरे पे क्यों प्रेशर बनाया जा रहा था कि बात। अगर अनिल विज जैसे आदमी, गृह मंत्री है जिनकी थोड़ा सा दहशत है, कड़े आदमी है, ईमानदार है, उनको लोग मानते हैं, अनिल विज जैसे आदमी होम मिनिस्टर है, उसके बाद भी पुलिस इस तरीके की कर रही है, तो पुलिस मतलब पुलिस पे कंट्रोल नहीं है? नहीं, अब तो नहीं कुछ कर रही, अब कल से उनके आदेश आए हैं, 2 महीने से कानून ने FIR कराई हुई थी, 2 महीने तक तो ये टालते रहे, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच क्यों चल रही है, जांचों के आधार पे ही तो FIR हुई थी, जांचों के आधार पे ही तो FIR हुई थी, अब क्या जांच चल रही है, जब FIR हो गई है, यही FIR किसी आम इंसान पे हो ना, रात को 12 बजे FIR होती है, सुबह 6 बजे तक आदमी उठा लिए जाते हैं, तो यहाँ 2 महीने के संगीन आरोपों के साथ FIR दर्ज हुई है, तो कुछ नहीं किया जा रहा है, पिताजी बेचारे भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी किसी जिले में छिप रहे हैं, कभी किसी राज्य में छिप रहे हैं, आत्मदाह को हम लोग मजबूर हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ रहना नहीं चाहते, कहते पापा ये क्या हो गया हमारे साथ, क्या कर दिया इन्होंने, हमने क्या गुनाह कर दिया है। शहर के कुछ व्यापारी भी आपके दिलासा दे रहे, भी आपके साथ गलत हुआ, हम आपके साथ है। बिल्कुल, पूरा व्यापार मंडल मेरे साथ है, लेकिन डरते हैं पुलिस से, पुलिस अधिकारी से दुनिया डरती है, आप किसी को साथ में जोड़ के देख लीजिए। ये तो मैं आम जनता की तरह लड़ना चाहता था, न्याय पाना चाहता था, संगठन को लेकर अगर मैं एक दिन भी मैं चलता तो लोग कहते संगठन के साथ खड़ा है, ठीक है मैं संगठन के साथ खड़ा आज भी हो सकता हूँ, मैं बुला लेता हूँ, अभी बुला लेता हूँ, मैं क्यों नहीं बुलाना चाहता हूँ कि अगर कल को किसी आम जनता के साथ हो तो आम जनता इतनी संगठन कहाँ से लाएगी, क्या आम जनता को गुनाह नहीं मिलेगा? पुलिस ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे, क्या पर्सनल रंजिश होगी कोई, क्या कारण? हाँ बिल्कुल ठीक, आपका ये सवाल भी बहुत अच्छा लगा हमें। हमने किसी का 1.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर लिया था और वो पटना बिहार का रहने वाला है, 25 लाख रुपए एडवांस लिए थे, हमने 1.5 करोड़ का ऑर्डर बना दिया उसका, अब वो कहता है कि हमें उधार में माल चाहिए, कोरोना के चलते हमारा आर्थिक मंदी है, हम उधार में माल नहीं देना चाहते हैं, उसको पैसे को निकलवाने के लिए उन्होंने अपने इस पदों का दुरुपयोग किया, क्योंकि हमारे SP साहब भी पटना के ही हैं, बिहार के ही हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे को CIA 2 में बुलाया गया, मेरे को CIA 2 में मिला के बुला के धमकाया गया, इसके पैसे दे, ये कर वो कर, मैंने अगले दिन ही जाके ये बातें 18-10 की अक्टूबर की, मैं 24-10 को कोर्ट में जाके पेश हो गया कि मेरे को CIA 2 में बुलाया गया है, CIA 2 में बुला के धमकाया जा रहा है, मेरे को परिवार को खतरा पड़ गया, CIA के नाम से दहशत है, हमारे पानीपत में CIA 2 में बहुत बहुत इष्टम कारनामे हो रहे हैं, वहां पे बुलाया गया, तो मैंने जज साहब को बोला कि मेरे साथ ऐसी सी हुई है, उन्होंने वहां पे CIA 2 के उनको बुलाया, CIA 2 के जिसने मुझे सुमित दहिया ने बुलाया था, उसने मुझे वहां पे बुलाया गया, और वहां पे अदालत के बीच में सुमित दहिया से पूछा गया कि आपने इनको बुलाया था, तो उन्होंने जस्ट अपनी स्टेटमेंट दी वहां पे कि हाँ बुलाया था, बुलाने के बाद हमें वहां पे एप्लीकेशन मिली थी इनके खिलाफ, लेकिन अब एप्लीकेंट ने वो एप्लीकेशन वापस ले ली है, अब हमें राजकुमार की कोई जरूरत नहीं है, ये उनके कोर्ट के अंदर बयान है, 24-10 की ये जजमेंट है, कोर्ट के अंदर ये बयान है, 24-10 की जजमेंट के बाद हम लोग सुकून से हो गए कि अब तो कोर्ट से हमें हो गया कि अब CIA तो हमें कभी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बयान आ गया कि अब हमें राजकुमार की कोई जरूरत नहीं है। हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, हम न्याय में इसीलिए गए थे कि न्याय से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन 24-10 के बाद जब मैं इसके ऑर्डर निकलवाए और 4 नवंबर की दिवाली थी, दिवाली के बाद मैं 8 तारीख को अपने निजी कारणों से अदालत में गया मामले की जानकारी के लिए, शाम को 5 बजे मुझे उठा लिया गया और इतना मारा गया कि मेरा ये दूसरा जन्म हुआ है। इस सारी चीजें इसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेडिकल की बोर्ड की मीटिंग बैठाई गई, 10 इंजुरियां 16-16 mm की पाई गई हैं, प्राइवेट पार्ट में मेरे तक तंग किया गया, मेरे को सारा इसके अंदर टोटली ही MLR बोलते हैं, इसके अंदर सारे संज्ञान में आया हुआ मामला। अब अनिल विज साहब ने सस्पेंशन के ऑर्डर दे दिए क्योंकि गृह मंत्री, उनका कहना तो मानना पड़ेगा SP साहब को। दूसरी बात, SP ने जो परसों प्रेस विज्ञप्ति की है उसकी एवेज में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जो वो कह रहे हैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैंने आपको पहले भी कहा और मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, जब पाप का गड़ा भर जाता है तो टूट जाता है, मैं उनकी प्रेस नोट से कुछ आहत नहीं हूं, आहत ये हूं कि किसी व्यापारी पर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बैंक से डिफॉल्ट है, मेरे पास सारे सबूत हैं, तथ्य हैं, मैं बैंक से कहां डिफॉल्ट हूं। ये भी कहा पंजाब में इनके खिलाफ केस है, इनके बेटों पे भी केस दर्ज है, बात झूठी सच्ची है? अब देखिए, व्यापार है, व्यापार के अंदर मैंने आजमगढ़ जगह से 30 लाख रुपए लेने, 30 लाख का चेक है, मैंने वहां पर सिविल दावा डाल रखा है, दिलदार नगर गाजीपुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहां से मैंने 7 लाख रुपए लेने हैं, मेरे पास चेक है, कोर्ट में दावा डाल रखा है,
कोर्ट ये जो लेन देन है पुलिस का व्यापार का जो लेन देन जो हमारे व्यापारियों का लेन देन है ये कोर्ट से ही संभलता है, पुलिस का काम पैसे लेने और देने का काम नहीं है। तो इसमें पुलिस का क्या मामला है कि पंजाब से धोखाधड़ी की है नहीं की है? अगर की है तो पंजाब पुलिस हमें सजा करेगी, अरेस्ट करेगी या मुकदमा चलेगा? आप पंजाब पुलिस का मुकदमा देखिए, उन्होंने एक FIR दर्ज की थी, हम अपने सारे तथ्य लेके वहां पहुंच गए थे और व्यापारी से बैठ के बात की थी, हमारा समझौता हुआ था और काम खत्म हो गया था। तो दावा उसको कहते हैं, धोखाधड़ी किसको कहते हैं? आपने फैक्ट्री अपनी बंद कर दी, फोन स्विच ऑफ कर दिए, घर से आप भाग गए। धोखाधड़ी का आरोप तो वो होता है, आज से 4-5 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, Xiaomi कंपनी जो फोन की कंपनी है 536 करोड़ का सरकार को चूना लगाया, 536 करोड़ का सरकार को चूना लगाया। धोखाधड़ी तो वो होती है कि जो चूना लगाया, यहाँ तो फैक्ट्री भी खुली है, दिन रात हमारे पास कारें भी चल रही है, हमारी घर पे भी है और फोन भी अटेंड किए जाते हैं, हर आदमी अटेंड किया है, तो धोखाधड़ी का आरोप कहां से हमारे पे लगाया जा रहा है? हमें गलत साबित क्यों किया जा रहा है? क्यों बुजुर्ग पिता को तंग किया जा रहा है? क्यों इनको आत्मदाब के लिए मजबूर किया जा रहा है? प्रेस विज्ञप्ति इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम साफ लोग हैं, हम लोग की कोई आपराधिक छवि नहीं है। ये 2020 से पहले की हमारी या 2022 से पहले की कोई भी हमारा स्टेटमेंट निकालिए, हमारे किसी भी थाने से निकलवा लीजिए, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा हो तो आप जैसा जो कहेंगे, जो सजा देना चाहेंगे, हम आप मीडिया से कहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। सर, ये टू प्रभारी पे आप बता रहे थे और भी आरोप था पैसे रिश्वत लेने की, वो क्या मामला है? अभी मैं निकलवा के लाया हूँ, सपड़ा जी की अदालत का ये वो है, ये आपके सामने इन सबके ऊपर वो चल रहा है। एक ये उठा के लाए थे मेवात से किसी को, उन्होंने वारंट ऑफिसर भी फिट किया था और वो आए थे वारंट ऑफिसर, उन्होंने सब सारे को जितने भी अंदर कैदी रखे थे, कैदी तो नाम के कैदी हैं, और उनको ये पीछे से कुदा दिया था, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। और याददाश्त के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, 4 दिन पहले आप मीडिया के साथ के माध्यम से ही मैंने न्यूज पढ़ी थी या न्यूज देखी थी, इंडो क्लब के पास किसी का फोन छीना गया था और वहां CIA2 के आदमी ने उसको अपने साथ ले गया था और चांदनी बाग के आईओ तक को पता नहीं था कि वो आदमी को CIA2 अपने साथ ले जा चुकी हुई है, वो आदमी अज्ञात दिखाया गया है उसके अंदर। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैं 2 दिन वहां रहा हूं, 2 दिन के अंदर मैंने वहां के नरक देखा है। कभी किसी दिन 20 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं वो लोग, गिनते हैं आपस में, 8 तारीख वाले दिन रात को वहां पर 20 लाख रुपए की उगराही की गई है उनको, किसी को मार के, किसी के घर से 50,000 मंगाते हैं, किसी से 1 लाख रुपए मंगाते हैं, किसी 2 लाख मंगाते हैं, अज्ञात रखते हैं। 9 तारीख की रात को 53 लाख 54 लाख रुपए वहां मंगाए गए हैं। क्यों आखिर ऐसा क्या किया जा रहा है? क्या व्यापारियों ने गुनाह किया है? सिर्फ यही गुनाह है ना कि हम सरकार की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, क्या ये अर्थव्यवस्था है? इस वजह से तो हम व्यापारी डूब जाएंगे। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं वैसे तो 93 से काम कर रहा हूँ, लेकिन 2012 से ब्लू स्टार के नाम से पूरे इंडिया में मैं काम कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में मेरा माल जाता है, ब्लू स्टार की पहचान है हमारे नाम की। आपकी फर्म का नाम है? मेरी फर्म का प्रोडक्ट का नाम भी ब्लू स्टार है, जैसे ब्लू स्टार AC आते हैं, ब्लू स्टार अलमारी है, हमारे फर्म की, हमारे प्रोडक्ट की, हमारे पिताजी के नाम की कस्में खाई जाती हैं। हमारे पास 10 अनुभवी दुकानदार जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े दुकानदार हैं, उनके हमारे पास सर्टिफिकेट है कि ये ब्लू स्टार से माल लेते हैं, हम संतुष्टि हैं। 20-20 लाख रुपए लगा के TLC बोलते हैं या TCB बोलते हैं, जो TV पे एडवर्टाइज दी जाती है, हमारे हमारे खुद के डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं, हमने आज तक नहीं दिया, हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे में दम है, तभी तो वो कर रहे हैं। अगर इस पार्टी ने भी, जिस पार्टी के साथ 25 लाख रुपए का इन्होंने दिखाया है, 25 लाख का हमारा भरोसा था, तभी तो उन्होंने 25 लाख हमें दिए। ठीक है, हमने उधार माल नहीं दिया तो क्या गुनाह किया? नहीं देना चाहते उधार माल, वो हमारी मर्जी है, हम नहीं देना चाहते माल उधार। हमने तो यहां तक प्रपोज किया था कि 25 लाख का है, 25 लाख का ही माल ले लो, बाकी का माल हम कहीं और बेच देंगे। आपका ये कहना है कि जो कंप्लेनेंट था इस मामले में वो बिहार में पटना का है और पुलिस ने उनकी फेवर करनी चाहिए? नहीं, वरिष्ठ अधिकारी SP साहब ने, क्योंकि ये पटना बिहार के हैं, इन्होंने पूरी फेवर की है, उनकी पूरी फेवर की है। उस फेवर के आधार पर जो निचले स्तर के कार्य, जो ये निचले स्तर के पुलिसकर्मी है, CIA2 का नाम ले रहा हूँ या एक इकोनॉमी सेल के सुभाष जी है उनका नाम ले रहा हूँ, अब उन्होंने इनके कहने पे, अपने अफसर के कहने पे हमारे को प्रताड़ित तो किया, अब अपने अफसरों को बचाने के लिए, क्योंकि उनके कहने पे तो उन्होंने हमें प्रताड़ित किया, अब उनका नाम आ जाएगा, वो फंस जाएंगे, तो आने वाले टाइम में वो इनका नाम लेंगे कि इन्होंने कहा था हमें, उनको बचाने के लिए तो इन्होंने एक गलत काम और किया। ये कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है, उन्होंने प्रेस नोट तो दिया, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी दी कि जब मेरे साथ CIA2 का मामला चल रहा है, SP साहब का कोई मामला नहीं है, तो इन्होंने निशांत शर्मा की कोर्ट में
एक पिटीशन लगाई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस का काम, वरिष्ठ अधिकारियों का काम आम जनता को न्याय देना है, बचाना है या अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना है। मैं सारे तथ्य लेके साथ आया हूं, मैं तथ्यों के साथ बात करना चाहता हूं, कोई मैं हवाई तीर नहीं छोड़ रहा हूं। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए तो कल गृह मंत्री ने देखा कि हो क्या रहा है, हो क्या गया है इनके साथ। कोई अगर मुंह जबानी बात कहे तो आदमी हो सकता है भाई मुंह जबानी है, कल को मुकर जाएगा या बोल देगा। ये आपके सामने है निशांत शर्मा जी की अदालत में, एसपी साहब, खुद एसपी साहब ने रिवीजन फाइल की है अपने उन अफसरों को बचाने के लिए। क्यों, एसपी साहब का क्या मामला था? एसपी साहब बोल सकते थे जांच चलेगी या जांच कराऊंगा, मैं हमें भी संभावना दे सकते थे, लेकिन संभावना नहीं दी, खुद खड़े होके आरोपियों का साथ दे रहे हैं। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर कल गृह मंत्री ने हमें न्याय दिया है और अब हमें लगता है कि वाकई हमें न्याय मिलेगा। और आप मीडिया के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग विश्व के पास फिर भी उन्होंने बुलाया, हम लोग जाएंगे, सस्पेंड के बाद इन पे कार्रवाई हो, जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, नहीं तो ये इनके जानकार जिनके जिनके खिलाफ सस्पेंड के ऑर्डर हुए हैं, आप खुद समझदार हैं, इनके जानकार कई बुरी छवि के भी हैं, हमें परिवार से मरवाया भी जा सकता है, हमें परिवार को अब डर है, भय है। अब हम लोग जितने दिन तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे या इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग सामने नहीं रह सकते हैं और अब हमें फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी या हमें अलग से रहना पड़ेगा। बाबूजी आपका पुलिस से वास्ता पड़ा है, थोड़ा सा दुख शब्द आप ही भी बताओ, पुलिस से वास्ता पड़ा है अपने बेटे के लिए, क्या एक्सपीरियंस रहा, पुलिस किस तरीके काम करती है? ऐसा है कि मैंने अपनी जिंदगी के 70 साल 80 साल जो है जनता की सेवा में लगाए और जनता की सेवा की, बहुत कानून का पालन करते हुए हर काम को मैंने देखा और जहाँ जहाँ मेरी मदद हुई मैंने मदद की। लेकिन जो काम इस पुलिस ने किया 8/11/2021 को मेरे बेटे को कोर्ट से उठाकर अपना CA2 ऑफिस में ले गए और मार मारा गया, इतनी मार मारा गया कि मैं आपका बयान नहीं कर सकता। जब मैंने इसके कपड़े उतार के सिर दिया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नर्क या बदमाश, इससे बड़े बदमाश नहीं हो सकते जब इतना इसको मारा गया। उसी वक्त मुझे 60 साल की भावना जो मैंने सेवा की थी वो मैंने एक तरफ रख दी और मैंने सोचा कि मैं अब ये जीवन छोड़कर मैं उग्रवादी बन जाऊं। मैं उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ खड़ा हो जाऊं और इनको बताऊं कि क्या होता है बच्चों को मारना, एक पिता ही जानेगा बच्चे की दर्द को। तो मैंने उस वक्त कानून की मर्यादा का पालन करते हुए मैंने अपनी प्रतिज्ञा वहीं रोक दी कि नहीं, जब ये कानून तोड़ रहे हैं तो मैं भी कानून तोड़ूंगा, तो मैं तो फिर वैसे ही हो गया जैसे वो हैं। इसलिए मैंने अपने को बहुत संयम किया और ये किया। मैं बहुत तंग आ गया, जब भी मैं अपना देखता हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाता है कि भाई आपका दो चार केस हम और करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं भाई, हम कोई अपराधी हैं या हमने कोई जुर्म किया है? हमने जो लोगों को माल, लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को माल देते हैं, लोग ऑर्डर पैसे जमा कराते हैं और ऑर्डर देते हैं, हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस तो लेन देन चलता ही है। लेकिन ऐसा है कि जब ये सब बात हुई इसके बाद मैंने ये देखा कि वाकई जो है ना, ये CJM प्रदीप चौधरी की अदालत ने FIR दर्ज करवाई, कई धाराओं के अंदर उन्होंने FIR दर्ज कराई जिसमें ना क्या है 323, 364A, 365, 506, 120B। जब इनके खिलाफ 25/12/2021 को FIR दर्ज हो गई तो फिर इन्होंने क्यों नहीं उन लोगों को आज तक गिरफ्तार किया? आम जनता होती तो ये दूसरे दिन गिरफ्तार कर लेते। क्या पुलिस अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी? मैं तो भ्रष्ट अधिकारी ही कहूँगा कि जब 2 महीने हो गए करीब करीब अपने कर्मचारियों को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया या कानून का पालन नहीं किया, तो ऐसी ड्रेस ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने भ्रष्ट कर्मचारियों को बचाने की पावर रखता है वो गलत करता है, वो कानून का उल्लंघन करता है। यदि हरियाणा सरकार ने उनको पावर दी है, तो उसका मिसयूज ना करें, उस पावर का मान मर्यादा का, कानून की मान मर्यादा को रखें, लेकिन इन्होंने नहीं रखी। इससे परेशान होकर मैं हरियाणा के होम मिनिस्टर
श्रीमान अनिल बिस के पास कल गया और मैंने अपनी सारी समस्याएं उनको बताई और मैंने ये बताया कि मैं अपना घर छोड़कर मैं कभी कहीं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, कभी कहीं लेके जा रहा हूँ। कारण यह है कि ये धमकी देते हैं कि हम आपको अरेस्ट करेंगे, हमने आपके नाम पर रेंट इशू किया हुआ है। अब इसी परेशानी में मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं कभी कहीं कहीं और कभी कहीं रहता रहा। परेशानियाँ ये हो गई तो मैंने सारी समस्याएं बताई, अनिल बिज साहब को बताई और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। सब कुछ देखने के बाद, कोर्ट के ऑर्डर को देखने के बाद बहुत उनको बहुत दुख हुआ और उसी वक्त मेरे सामने बैठ के उन्होंने एसपी पानीपत को आदेश दिया कि ये आर हर भी जो जिस पर भी हैं सब कुछ फौरन सस्पेंड किया जाए, ये मेरा आदेश है। तो एसपी साहब ने कुछ उल्टी सीधी बातें उनको बताई कि सर ये है, ये तो केस किया है, फलाना है, ढिकाना है, ये जो भी है अपनी उन्होंने कही। तो उन्होंने उसी वक्त कहा नो, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, इनकी सारी बातें मैंने सुन ली हैं, ये कोई अपराधी नहीं है, एक अच्छे परिवार से हैं और दूसरी बात इतना दुखी हैं, आप अभी आठों आदमी को सस्पेंड कीजिए। लेकिन मुझे जैसे ज्ञान मुझे आज ही महसूस हुआ है कि इन्होंने आठ अपराधियों को, 10 अपराधियों को गिरफ्तार सस्पेंड नहीं किया है, बल्कि इन्होंने 4 को सस्पेंड किया है। मेरे को इसका कारण समझ में नहीं आया कि इन्होंने 4 को क्यों सस्पेंड किया जबकि आदेश 8 का हुआ था। चलो वो भी बात हुई। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं उन सभी भाइयों को या उन सभी बच्चों को, बेटों को कहना चाहता हूँ कि जिसको भी हरियाणा सरकार ने पावर दी है या कानून की रक्षा करने के लिए उनको निर्धारित किया है, वो अपने कानून की रक्षा के लिए कानून की मर्यादा को भंग ना होने दे। किसी भी गरीब आदमी को या किसी आदमी को ऊपर कोई कानून आता है तो उसकी छानबीन करें कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसके ऊपर कोई आपराधिक मामले पहले हैं या अपराधी वो नहीं है, तो उनकी मदद करें, उनके साथ बेइंसाफी ना करें, कानून का उल्लंघन ना करें, क्योंकि सरकार ने आपको कानून की मर्यादा के लिए आपको पावर दी है, आप उस कानून की मर्यादा को पावर करें। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कोई ऐसा कर्म ना करें, क्योंकि पाप का घड़ा एक दिन भरता है और भरने के बाद वो निकलता है, तो उसमें आपकी इज्जत बेकार होगी, ना किसी शरीफ आदमी की इज्जत को खराब कीजिए और ना आप अपने कानून का उल्लंघन कीजिए। मैं आपसे करता हूँ, इसलिए आप लोग अपने उठाइए, क्वेश्चन कीजिए, इसलिए मैं आप सारी बातें करता हूँ। अगर अगर हरियाणा में या देश में कानून का राज है, अनिल विज अभी भी होम मिनिस्टर है, उनके रहते फिर आप डर क्यों रहे हो पुलिस से कि पुलिस ये कर देगी वो कर देगी? इसका कारण यह है कि पुलिस की कोई मर्यादा नहीं है, कानून की कोई मर्यादा नहीं। आप कितने बड़े भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े भी ईमानदार हो, समझदार हो, लेकिन वो आके बिना कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आपको अरेस्ट करेगी तो समाज के अंदर आपकी क्या इज्जत रहेगी? मैं इतना, मेरी इतनी इज्जत इस पानीपत के अंदर, मेरी इतनी इज्जत आज तक लोग मेरी ईमानदारी की कसमें खाते थे और इन्होंने मेरी मिट्टी पलीत कर दी। क्योंकि जब पुलिस मेरे घर के आगे खड़ी हो जाती है, कहाँ ये आहूजा साहब आइए जरा, आहूजा साहब को गिरफ्तार करना है, भाई मैंने क्या कानून किया, मैंने क्या जुल्म किया? मैं एक इज्जतदार आदमी, बढ़िया बार के अंदर बैठने वाला, लोगों की सेवा करने वाला, मेरी इतनी अच्छी भावना, इसके बाद मुझे कहते हैं हम आपको अरेस्ट करेंगे, भाई मेरा कारण क्या है, मुझे कारण तो बताओ। नहीं, कोई कारण नहीं है। इसी भय से मैं अपना मकान में भी नहीं, 6x24 मकान मेरा है, सुनरी पर मैं वहाँ नहीं रहता हूँ। क्यों? मुझे पता है कि पुलिस है, गाली देकर बात करेगी, और मैं समाज की सेवा करने वाला, समाज के अंदर समाज क्या समझेगा जब वो पुलिस मुझे गाली देगी, बात करेगी, तो मेरी तो मिट्टी मिल जाएगी, मेरी तो पुलिस हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा पुलिस से भय करता हूँ। आप द्वारा पूछा गया एक सवाल बहुत अच्छा है कि माननीय अनिल विज जी के इतने होनहार और इतने कानून की पालना करने वाले के बाद भी पुलिस से क्यों डर रहे हैं। जब कल विज साहब ने आदेश दे दिया कि सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, उस आदेश की पालना कहाँ हुई? 4 को तो किया गया है, आपके समक्ष ही तो है, वो चारों को तो 4 को ही किया गया, अभी बाकी को नहीं किया गया है। मैं अभी हम लोग एक एसपी साहब को रिक्वेस्ट देने जा रहे हैं कि मेरे को CIA 2 में पुलिस सुरक्षा में लेके जाया जाए। प्रेस नोट में मैं आपको अभी ये भी दूंगा, पुलिस सुरक्षा की मैं मुझे CIA 2 में लेके जाया जाए, जो बाकाया बच्चे 2 जिनके मैंने अज्ञात नाम, मेरे को नाम नहीं पता, जो मार रहे थे, तो उनकी पहचान भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी भ्रष्ट पुलिसकर्मी जिसने मुझे मारा है, जिसने मुझे प्रताड़ित किया, जिसने किडनैप किया, वो बचे नहीं। मुझे भी ये इंसाफ पूरा चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा। उनके नाम बता दीजिए सर, जो
जो एफआईआर में जो नाम है वो तो नाम मुझे पता है, किसको सस्पेंड किया गया है ये मैंने एक मीडिया के द्वारा माध्यम से अखबारों के माध्यम से पढ़ा गया कि चार को ही सस्पेंड किए गए हैं जिनके खिलाफ ये हुआ है, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। सात के सात आठ के खिलाफ आदेश हुए हैं उनके नाम डिस्क्लोज। इसमें CIA2 के इंस्पेक्टर वीरेंद्र है प्रभारी है, जो जयवीर राणा, SI सुभाष, ASI सुमित, SI राजेश और दो तीन पुलिसकर्मी जिन्होंने मुझे मारा, जिनका नाम मैंने शुरू पहले दिन से मैं नाम नहीं उनका जानता हूं लेकिन फोटो देख के एक मिनट से पहले जान जाऊंगा। और जो मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रहा था जो CIA2 से आदमी को कुदा दिया गया है वारंट ऑफिसर की, उसमें वो दोनों की तस्वीर आ रही है। उन दोनों को मैं अब पहचान चुका हूँ, ये तस्वीर आ रही है, सिर्फ नाम का है, नाम का ज्ञात करके मैं वो SP साहब को सोचना चाहता हूँ कि इनके पेपर वो किया जाए। और वो उन्होंने मुझे विश साहब ने संतावना दी है कि कार्रवाई से आप अगर संतुष्ट ना हो हमें दोबारा इसके बारे में बताइए, हम इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जी हीरा लाल आहूजा। 2017 में